हेलो स्टूडेंट्स, देखो बेटा नेक्स्ट टॉपिक। जैसे आपने फर्स्ट वीडियो में देखा, हमने बायट सेवर्स ला को एक्सप्लेन किया। अब बायट सेवर्स ला को हम करते हैं वेक्टर फॉर्म में। वेक्टर फॉर्म ऑफ बायट सेवर्स ला बिल्कुल सिंपल है। जैसे आपने पीछे वाली वीडियो में देखा बेटा, इसका जो रिजल्ट निकला मैथमेटिकली वो क्या निकला है, डीबी इज इक्वल टू म्यू नॉट ओवर 4 पाई आईडीएल साइन थीटा ओवर आर स्क्वायर, ये रिजल्ट निकला है। अब इसको वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखेंगे, बिल्कुल आप हेल्प करोगे क्योंकि वेक्टर फॉर्म आपने कूलम्स लॉ किया है, बहुत अच्छे से वहां पे करवाया था मैंने, और 11th क्लास में हम वेक्टर चैप्टर है जो वो बिल्कुल डीपली करके आए हैं। देखो बिल्कुल आप हेल्प कर सकते हो मेरी, डीबी वेक्टर फॉर्म में अगर लिखना है तो म्यू नॉट बाय फोर पाई जो बेटा आपने लास्ट वीडियो में बायट सेवर्स ला छोटा है ना टॉपिक, उसी के नीचे फर्दर कनेक्ट कर देना है क्योंकि वहां पे वो टॉपिक अभी अधूरा था, उसी के नीचे ये कनेक्ट करके लिखना है, ठीक है। इसलिए मैंने कोई नई हेडिंग नहीं दी है, बायट सेवर्स ला ही चला हुआ ये। तो म्यू नॉट ओवर 4 पाई आई, यहां तक कंप्लीट हो गया क्योंकि आई भी आपकी कैसी क्वांटिटी है, हम स्केलर ही काउंट कर लेते हैं क्योंकि वेक्टर तो है नहीं। अब देखो इस इक्वेशन को मैं क्या लिख सकता हूं, जो लिखूंगा मैं आपने यस करना है कि इट इज राइट और इट इज रॉन्ग। डीएल क्रॉस आर डिवाइड बाय आर क्यूब, डीएल क्रॉस आर, देखो डीएल वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर डिवाइड बाय आर क्यूब किया मैंने, डिवाइड बाय आर क्यूब किया। अब जैसे कई बच्चों को अगर समझ में नहीं आया तो बेटा देखो इसको मैं ओपन करके दिखाता हूं, अब खोल के देखते हैं। कई बच्चों का यह आ चुका है कि हाँ जी ये ठीक है। तो डीबी वेक्टर फॉर्म में अगर हम लिखें तो म्यू नॉट ओवर 4 पाई आई, अब देखो क्रॉस प्रोडक्ट अगर हम ओपन करेंगे तो क्या आएगा, फर्स्ट मैग्नीट्यूड सेकेंड मैग्नीट्यूड एंड साइन ऑफ एंगल बिटवीन देम थीटा ओवर आर क्यूब। डायरेक्शन के लिए हम कोई एन कैप यूज कर लेते हैं बेटा, यूनिट वेक्टर यूज कर लिया, वो तो खैर यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 होता है, केवल डायरेक्शन प्रेजेंट करता है। इसको जब हम ओपन करेंगे तो यही आएगा ना निकल के, पूरी टर्म ये टर्म आई निकल के। अब देखो आर से आर कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या रिजल्ट बच जाएगा आपका, म्यू नॉट ओवर 4 पाई आई डीएल साइन थीटा डिवाइड बाय नीचे क्या बच गया आर स्क्वायर डीबी, ये मैग्नीट्यूड की टर्म में देखो फिर से वही आ गई ना। तो इसका मतलब आपकी जो वेक्टर फॉर्म अगर पूछी जाए तो ये है वेक्टर फॉर्म बेटा किसकी बायट सेवर्स ला की, किसकी है बायट सेवर्स ला की। तो वेक्टर फॉर्म मेरे ख्याल में आपको क्लियर हो गई कैसे आई, वो मैंने आपको पॉइंट आउट करके बताया कि वेक्टर फॉर्म में हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, क्लियर होगी, आप इसको नोट करो बायट सेवर्स ला वेक्टर फॉर्म। अब कई बार क्या होता है, पूछ लेता है ये आपसे, सीबीएसई में क्वेश्चन पूछा गया है कि एक्सप्लेन बायट सेवर्स ला इन टर्म ऑफ करंट डेंसिटी, इन टर्म ऑफ करंट डेंसिटी। अब देखो भैया करंट डेंसिटी कहां से आ गया टॉपिक, शाबाश, याद करो करंट डेंसिटी कहां पढ़ा था और क्या पढ़ा था। करंट डेंसिटी बिल्कुल सिंपल सी बात है, करंट डेंसिटी को अगर मैं लिखूं तो इधर लिख देता हूं जे, इसे नोट करते हैं, करंट डेंसिटी वेक्टर क्वांटिटी होती है और जे इज इक्वल टू आई बाई ए होता मेरे ख्याल में, यही होता ना बच्चों आई बाय ए, करंट डेंसिटी इज इक्वल टू आई बाई ए। देखो हेडिंग बनाओगे अब यहां पर आप बायट सेवर्स ला इन टर्म ऑफ करंट डेंसिटी, इन टर्म ऑफ करंट डेंसिटी बिल्कुल सिंपल है, बिल्कुल सिंपल है। सुनो J इज इक्वल टू अपना क्या होता है बेटा, I बाई ए होता है, रिजल्ट लिया है J इज इक्वल टू क्या हो गया I बाई ए। अच्छा अब सुनो यहां पे हम क्या लिख सकते हैं, J इज इक्वल टू आई डीएल से ऊपर मल्टीप्लाई कर लिया और डीएल से नीचे मल्टीप्लाई कर लिया, ठीक है, ऊपर डीएल से मल्टीप्लाई किया नीचे डीएल से मल्टीप्लाई किया, कोई चेंज तो पड़ा नहीं है। अब एरिया इंटू डीएल, एरिया इंटू लेंथ शाबाश क्या होगा, स्मॉल वॉल्यूम का मतलब डीवी से रिप्रेजेंट कर लो, तो जे इज इक्वल टू क्या हो गया आई डीएल डिवाइड बाय डीवी। यहां पे देखो मैं वी को कैपिटल लिख रहा हूं बेटा, कैपिटल वी का मतलब वॉल्यूम से रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम। आईडीएल को हम क्या लिख सकते हैं, आईडीएल आपका आ गया जे इंटू डीवी। अब अपने पास बायट सेवर्स ला क्या था, डीवी इज इक्वल टू म्यू नोट आई
म्यू नॉट बाय 4 पाई आई डी एल साइन थीटा बाय आर स्क्वायर था ना ये डी बी इज इक्वल टू म्यू नॉट बाय 4 पाई आई डी एल साइन थीटा बाय आर स्क्वायर। अच्छा आईडीएल किसके इक्वल आया है, आईडीएल आया जे इंटू डी बी। आईडीएल क्या आया, जे इंटू डी बी। तो आईडीएल की जगह पे क्या रखे हम, जे इंटू डी बी। सो डी बी बिकम्स इक्वल टू म्यू नॉट बाय 4 पाई जे डी बी साइन थीटा ओवर आर स्क्वायर। अब इसको वेक्टर फॉर्म में अगर आपसे पूछा जाए तो क्या लिखोगे, db वेक्टर इज इक्वल टू म्यू नॉट बाय 4 पाई, देखो j आपकी वेक्टर टर्म है, r से आपकी क्रॉस प्रोडक्ट कर लेगा ये, इनटू db रह जाएगा, डिवाइड बाय r क्यूब हो जाएगा। दिस इज योर वेक्टर फॉर्म ऑफ बाइट सेवर्सला इन टर्म ऑफ करंट डेंसिटी। तो मेरे ख्याल में करंट डेंसिटी वाला टॉपिक बिल्कुल क्लियर हो गया है। करंट डेंसिटी किसके इक्वल था, आई बाई ए डीएल से मल्टीप्लाई डीएल से डिवाइड, आई इंटू डीएल किसके इक्वल आ जाएगा, जे इंटू डीवी के, और जे इंटू डीवी रख देंगे हम आईडीएल की जगह पे, बेटा आईडीएल की जगह पे रख दिया तो जे इंटू डीवी। वेक्टर फॉर्म में आप क्या लिखोगे, जे क्रॉस आर, डीवी आपकी वॉल्यूम है, जो वो वेक्टर क्वांटिटी होती नहीं, बाहर चली गई नीचे आर क्यूब। दिस इज द एक्सप्लेनेशन ऑफ बाइट्सर्स लॉ इन टर्म ऑफ करंट डेंसिटी। क्लियर। फिर से एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि बायोट सेवर्ट्स लॉ को भैया एक्सप्लेन करो आप चार्ज और वेलोसिटी के टर्म में। किसकी टर्म में, चार्ज और वेलोसिटी। चार्ज देखो, चार्ज कैसे लेके आएंगे आप बायोट सेवर्ट्स लॉ में, बिल्कुल सिंपल सिंपल से, ये दो दो नंबर में रिजल्ट पूछे जाने वाले होते हैं बेटा, इन रिजल्ट्स को ध्यान में रखना, बिल्कुल छोटे छोटे हैं ये, कंसेप्चुअल है टाइप के क्वेश्चन है। तो करंट बायोट सेवर्ट्स लॉ इन टर्म ऑफ चार्ज एंड वेलोसिटी, चार्ज एंड वेलोसिटी। देखो चार्ज और वेलोसिटी की टर्म में कैसे लेके आएंगे, अब सिंपल सी बात है, अपने पास जो करंट है इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट को अगर हम डिफाइन करें तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। सो आई इज इक्वल टू, कैन वी राइट लाइक दैट, क्यू बाय टी, क्यू बाय टी, करंट को हम लिख सकते हैं क्यू बाय टी, ओके बिल्कुल लिख सकते हैं, ठीक है। अब क्या मैं इसको यहां पे I इंटू डीएल इधर मल्टीप्लाई कर लिया और डीएल उधर मल्टीप्लाई कर लिया, डिवाइड बाय टाइम, कोई फर्क तो नहीं पड़ा, कोई फर्क नहीं पड़ा। अगर डीएल है समोल, समोल के लिए समोल टाइम ही कंसीडर कर लेते बेटा dt। अब डीएल बाय dt लेंथ बाय टाइम या डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, डीएल को अगर हम डिस्प्लेसमेंट बोले तो डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट बाय स्मॉल टाइम क्या हो जाएगी, वेलोसिटी, क्या हो जाएगी, वेलोसिटी। सो आईडीएल बिकम्स क्यू इनटू वी। अब देखो बेटा ये वी मैंने स्मॉल ले रखा है, पहले वी लिया था कैपिटल, कैपिटल वी का रिप्रेजेंट कर रहा था वॉल्यूम को, और ये स्मॉल वी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, वेलोसिटी को। क्लियर होगी। तो आईडीएल किसके इक्वल हो गया, क्यू इनटू वी। यहां पर डीवी मत लिखना, डीवी मत लिखना, क्योंकि रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, चेंज ही डिस्प्लेसमेंट का वेलोसिटी होता है, ये नहीं होता dv इज इक्वल टू dx अपॉन dt, ना ये केवल v होता बेटा, v इज इक्वल टू dx बाय dt, dx को यहां पे लेंथ कह लो, अब dl स्मॉल डिस्प्लेसमेंट, तो ये होता है, कहीं यहां dv लगाओ, dv नहीं लगाना ध्यान करके। तो यहां पे अब देखो बायट सेवर्ट्स लॉ क्या कहता है, अपने पास अकॉर्डिंग टू बायट सेवर्ट्स लॉ dv इज इक्वल टू म्यू नॉट बाय 4 पाई idl sin थीटा ओवर r स्क्वायर। अब आपको idl की वैल्यू मिली हुई है, रख दो आईडीएल की वैल्यू क्या रखें, चार्ज इनटू वेलोसिटी, तो डीबी इज इक्वल टू म्यू नॉट बाय 4 पाई आईडीएल की जगह पे क्यू इनटू वेलोसिटी इनटू साइन थीटा ओवर आर स्क्वायर, या हम इसको लिख सकते हैं वेक्टर फॉर्म में डीबी इज इक्वल टू म्यू नॉट बाय 4 पाई, चार्ज आपका बाहर आ जाएगा, वेलोसिटी और जो रेडियस है या डिस्टेंस है उसकी क्रॉस प्रोडक्ट हो जाएगी और नीचे क्यूब लग जाएगा। तो dv इज इक्वल टू म्यू नॉट बाय 4 पाई q इंटू वी क्रॉस r डिवाइड बाय r क्यूब। तो अब हम बायट सेवर्ट्स लॉ को लिख सकते हैं किस टर्म में, चार्ज और वेलोसिटी की टर्म में। किस टर्म में आ गया, ये चार्ज और वेलोसिटी की टर्म में। पहले वाला जो केस था वो किसकी टर्म में था, करंट डेंसिटी की टर्म में। क्लियर होगी बेटा ये बात। तो ये बायट सेवर्ट्स लॉ आपने पढ़ा है, बायट सेवर्ट्स लॉ की वेक्टर फॉर्म पढ़ी है, और बायट सेवर्ट्स लॉ के दो पॉइंट्स पढ़े हैं। कौन कौन से दो पॉइंट थे, इन टर्म ऑफ करंट डेंसिटी एंड इन टर्म ऑफ चार्ज एंड वेलोसिटी। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक बेटा नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ते हैं। ये वीडियो आप कंप्लीट कीजिए, अच्छे से नोट कीजिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।